गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले भी वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी जो एक वेक्टर अभी मुझे पढ़ाना था और बताना था आपको, वो सटल वेक्टर है। एक्चुअली ये भी एक तरह का हाइब्रिड वेक्टर होता है जो दूसरे वेक्टर्स से जो है वो अलग होता है। तो वेक्टर्स के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो ज़्यादातर जो वेक्टर्स होते हैं उनके सोर्स प्रोकैरियोट्स होते हैं और उन प्रोकैरियोट्स में जिसको हम यूज करते हैं वो हमारा ई कोलाई है। यानी ज़्यादातर वेक्टर्स को हम ई कोलाई से यूज करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें से वेक्टर था हमारा, वो प्लाज्मिड था। तो प्लाज्मिड, जैसा कि आपको पता है, नेचुरल प्लाज्मिड भी होता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी होता है। जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कहते हैं कि प्लाज्मिड जो है वो आपका एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो बैक्टीरियल जीनोम के अतिरिक्त होता है। इसके अलावा हम एक और लेटेस्ट जो डिफिनीसन है वो दे सकते हैं प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड जो होता है वो सीसीसी डीएनए होता है। सीसीसी डीएनए का मतलब ये होता है, यानी क्लोज कोवेलेंट एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्लोज कोवेलेंट सर्कुलर, क्लोज कोवेलेंट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग प्लाज्मिड भी कहते हैं। अब हमने बताया था आपको दो तरह का प्लाज्मिड, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल हम पढ़ चुके हैं, पीबीआर 322, पीयूसू 197 इस तरह से। और नेचुरल प्लाज्मिड में आपका एप प्लाज्मिड है, कॉर प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है, बहुत सारे प्लाज्मिड हमने आपको बताया था जो नेचुरल प्लाज्मिड है। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि जो सटल वेक्टर है वो कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो वेक्टर हो गया और नेचुरल वेक्टर आपका प्लाज्मिड हो गया। अब सटल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिस जो दो दोनों होस्ट सेल के अंदर प्रोपोगेट कर सके, यानी वो प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल में भी प्रोपोगेट कर सके और यूकैरियोटिक होस्ट सेल में भी प्रोपोगेट कर सके। यानी एक हमें ऐसा वेक्टर डिजाइन बनाना है जो दो होस्ट सेल में एक साथ रेप्लिकेट कर सके, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। तो ऐसे वेक्टर को हम सटल वेक्टर कहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हम प्रोकैरियोटिक वेक्टर जैसे प्लाज्मिड लेंगे तो वो केवल वहीं एक्सप्रेस करेगा जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल होगा। अगर हम यूकैरियोटिक वेक्टर की बात करते हैं, जैसे ईस्ट है, टू म्यू सर्किल है, तो वो टू म्यू सर्किल केवल ईस्ट में ही जो है वो रेप्लिकेट करेगा। लेकिन हम अगर दोनों वेक्टर को मिला करके कंबाइंड हाइब्रिड वेक्टर बनाएंगे जो कि प्रोकैरियोटिक में इकोलाई और यूकैरियोटिक में ईस्ट या कोई और भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होस्ट सेल में वो एक साथ एक्सप्रेस हो सके, एक साथ फॉरेन जीन को कैरी फॉरवर्ड कर सके, तो ऐसे वेक्टर को हम सटल वेक्टर कहेंगे। अब इस सटल वेक्टर में जैसे एग्जांपल जो है हमारे पास है वो वाई ई पी है, यानी ईस्ट इपिसोमल प्लाज्मिड। ये ईस्ट इपिसोमल प्लाज्मिड एक गुड एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है आपका सटल वेक्टर का। तो जैसा नाम से क्लियर है कि इसमें हम लोग ईस्ट और प्लाज्मिड दोनों की बात कर रहे हैं, तो जो ईस्ट का जो वेक्टर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर वो ईस्ट का प्लाज्मिड टू म्यू सर्किल, इसका हम लोग प्लाज्मिड ले लेते हैं। और बैक्टीरिया का हम लोग एप प्लाज्मिड यूज कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया का अगर हम एप प्लाज्मिड यूज कर लें और टू म्यू सर्किल ईस्ट का यूज कर लें और दोनों को फिर मिला करके एक कंबाइंड वेक्टर का रूप दे दें, तो ऐसे वेक्टर को हम सटल वेक्टर कहेंगे। जैसा डिफिनीशन से भी क्लियर है कि ऐसा वेक्टर जो दो डिफरेंट होस्ट सेल में वो रेप्लिकेट कर सके, प्रोपोगेट कर सके, उसको हम सटल वेक्टर कहते हैं। अब अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम सटल वेक्टर में, अभी हमने बताया आपको कि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहला तो ये होगा कि इसमें हमें पीबीआर 322 जो कि एक प्लाज्मिड ड्यूराइड वेक्टर है, तो हम पीबीआर 322 ले लेंगे और जो कि एक आर्टिफिशियल वेक्टर है प्लाज्मिड का, और प्लस इसका कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट से ले लेंगे और ईस्ट का क्रोमोसोम भी ले सकते हैं, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड या टू म्यू सर्किल जिसको आप ईस्ट का प्लाज्मिड कहते हैं, दोनों को मिला करके हम लोग ले लेते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड अगर हम लोग कर देंगे तो जो हमारा प्लाज्मिड बनेगा वो हमारा सटल वेक्टर कहलाएगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने बताया था कि सटल वेक्टर डिजाइन टू रेप्लिकेट इन ईकोलाई एज स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिस कह रहे हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस का मतलब यहाँ पर ईस्ट है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है यहाँ पर वो ईस्ट है। तो ईकोलाई और ईस्ट दोनों में रेप्लिकेट करें तो वो हमारा सटल वेक्टर हुआ। अब इसमें हम बात है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से हम टू म्यू सर्किल प्लाज्मिड ले लिया
और यहाँ से आपने जो है इकोलाई से प्लाज्मिड ले लिया FPBR 322 और दोनों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके हम शटल वेक्टर बना लिए। और एक ये डायग्राम आप शटल वेक्टर का देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन है जो हमने PBR 322 से लिया होगा, और ये ईस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और यहाँ पर बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन जीन भी है। यानी यहाँ पे शटल वेक्टर में दो ORI निश्चित तौर पर यहाँ पर दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा और पाना ही पड़ेगा क्योंकि इसको दो डिफरेंट होस्ट सेल में इसको रेप्लिकेट करना है। तो निश्चित तौर पर शटल वेक्टर में दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा वो ईस्ट का होगा टू न्यू सर्किल का, और दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा वो PBR 322 का होगा जो कि प्लाज्मिड है। तो इस तरीके से शटल वेक्टर दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ बाकी जितने भी वेक्टर के फीचर्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन MCS या पॉलीलिंकर साइट्स और अनदर मार्कर जीन्स और ईस्ट का क्रोमोसोमल सीक्वेंस, इन सब को लेकर के एक कंबाइंड बनता है जिसको कि हम शटल वेक्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये शटल वेक्टर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसा वेक्टर जो दो डिफरेंट होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सके। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई और इसका डायग्राम हो गया। अब इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिए।